दोस्तों मैं हूं निधि आप सबका वेलकम करती हूं निधि किचन चैनल पे दोस्तों आज जो मैं आपके साथ रेमेडी शेयर कर रही हूं ना इसे आपको 100 परसेंट रिजल्ट मिलेगा बहुत ही बेहतरीन रेमेडी है बहुत ही सिंपल है कोई भी इसे बना के अप्लाई कर सकता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं छोटी सी रिक्वेस्ट अगर चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज अब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले एक क्लीन बाउल लेना है कोई भी लोहे का बर्तन नहीं चाहिए और यहाँ पे हमें खास चीज़ ऐड करना है ये है एप्पल साइडर वेनेगर दोस्तों अभी जो मौसम है ना बारिश वाली मौसम इसमें आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं इन सब से निजात दिलाएगा ये वेनेगर तो यहाँ पर एक चम्मच इतना ले लेना है अगर आपके पास ये वेनेगर नहीं है तो आप यहाँ पे नॉर्मल वेनेगर भी ऐड कर सकते हैं बट आप अगर आप ये ले लेते हैं ना तो इससे आपके बाल जो है वो सिल्की एंड शाइनी भी हो जाएंगे साथ ही साथ डैंड्रफ भी दूर होगी और बाल के झंडे भी रुक जाएंगे तो मैं एक चम्मच इतना ले ली हूँ नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ एलोवेरा लीफ पाउडर ईजली आपको मार्केट में अवेलेबल है दोस्तों आप वहाँ से बाई कर सकते हैं ये एलोवेरा लीफ पाउडर है ना ये आपके बालों को जड़ से मजबूत बनाता है और काला बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है तो मैं यहाँ पे एक चम्मच इतना ले ली हूँ और यहाँ पे अब लास्ट चीज़ मैं ऐड करूँगी और ये पैक बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा दोस्तों इस पैक को आपको हफ्ते में एक बार लगाना है बहुत अच्छा काम करता है अब यहाँ पर हमें आधा चम्मच इतना ले लेना है काला कत्था जी हाँ दोस्तों काला कत्था जो होता है वो हमारे बालों को जड़ से काला बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता है बट ये आपके बालों को जड़ से काला बनाएगा और लंबे समय तक काला बना के रखता है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी ऐड की थी इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके एक पेस्ट रेडी कर लूँगी और दोस्तों जैसे कोई आप डाई लगाते हैं ना हेयर डाई ब्रश से उसी तरह आपको इसे भी लगा लेना है एक घंटे तक रहने देना है फिर आपको नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है नेक्स्ट डे आपको शैम्पू करना है दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आपके पास हेयर डाई ब्रश नहीं है तो आप चाहे तो बेकार वाली टूथब्रश आती है ना उससे भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं ते हैं वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज एंड प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा थैंक यू हैवे नाइस डे